अनाज मंडी जाखल साधु व आवारा लोगों का बना रैन बसेरा, प्रशासन नहीं संभाल रहा इनको। आड़तियों में प्रशासन के प्रति रोष। जी हां, कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से दर्जनों साधु व आवारा किस्म के लोगों का रैन बसेरा बना अनाज मंडी का शेड। आड़ती परेशान तो प्रशासन ने नहीं ली कोई सुध। कोरोना में लगे लॉकडाउन के चलते जाखल अनाज मंडी का शेड दर्जनों साधुओं व आवारा लोगों का रैन बसेरा अड्डा बन गया है। ऐसे में आड़ती परेशान है, इनकी नगर पालिका जाखल व अन्य प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली। वहीं ऐसे में सोशल डिस्टेंस सिस्टम भी फेल दिखाई दे रहा है। अधिवक्ता व आड़ती ने बताया कि काफी संख्या में साधु व अन्य आवारा किस्म के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये सभी यहाँ पर रुके हैं। आज सुबह भी कोई अज्ञात वाहन चालक किसी विकलांग को यहाँ पर फेंक के चला गया है। ऐसे में कोई भी बीमारी फैल सकती है। नगर पालिका व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आड़तियों द्वारा रोष जताए जाने पर आनन फानन में इन सभी को वहां से खदेड़ किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा। मंडी का शेड है, इसमें बाहर से स्टेट से लोग आ रहे हैं, बीमार है। SMO को फोन कर लिया, SHO को, तहसीलदार को फोन करने के बावजूद भी इनको ना तो लेने आ रहे हैं। हमें डर है कि ये बीमारियां फैला रहे हैं, प्रशासन इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये कहाँ के लगते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने लोग हैं? तो है नहीं, ये कम से कम 10-15 व्यक्ति हैं। कोई बाहर का, कोई राजस्थान का, कोई पंजाब का, एक दूसरे नाम। क्या इनका मेडिकल हुआ है कभी? अभी तो SMO को फोन किया, वो कहता मेडिकल मैंने नहीं करना, कहता SHO को भेजेगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा। साहब से गवर्नमेंट ने दे रखा है कि सोशल डिस्टेंस की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही काम चल रहा है। मंडी में यहाँ शेड पे पहले कुछ दिन पहले कुछ साधु संतों को जगह दी गई थी, लेकिन उनको देखकर अब आगे से बॉर्डर एरिया से भी दूसरी तरह से लोग बहुत बढ़ रहे हैं। पता नहीं बॉर्डर पे क्या हो रहा है जी, वहाँ से कैसे इनको एंट्री मिल रही है इधर। यहाँ पे रोज़ दिन पर दिन पंजाब से, राजस्थान से बंदे बढ़ रहे हैं। और एक तो आज सुबह का केस है, कोई किसी बीमार को मोटरसाइकिल पर ऐसे फेंक के गया जैसे कोई चीज़ फेंक के गया हो जी। उसका चेकअप के लिए हमने मेडिकल प्रशासन को भी बोला, ऊपर भी प्रशासन को जानकारी दी, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कृपया करके जरूर इधर ध्यान दीजिए, और ये कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी की तरफ संकेत जा रहे हैं जो यहाँ पे हाल है।